एंड स्पेसिफिकली मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर जो इश्यू किया है वो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस एनालिसिस के थ्रू आपको पूरा डिटेल जो है प्लानिंग आप कर सकोगे कि कैसे हमें जो पढ़ाई जो है इसमें करनी है। तो ये देखिए cbse.nic पे जो सैम्पल पेपर जो इश्यू किया गया है क्लास 10 का वो आपके सामने है। तो सबसे पहले देखिए इस बार एमसीक्यू को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में भी एमसीक्यू पूछेंगे इस बार। तो सबसे पहले 16 एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे, उसके अंदर अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज होंगे। सेक्शन बी जो है वो होगा 3 मार्क्स का और SS6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टोटल 18 मार्क्स। एंड नेक्स्ट आपको एक्सट्रैक्ट और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें भी आपको सीबीएसई ने इस साल बेनिफिट दिया है कि वो एमसीक्यू के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे। एंड 5 क्वेश्चन जो है वो होंगे 5 मार्क्स के, तो 25 मार्क्स के। एंड सेक्शन ई जो है वो होगा आपका मैप वर्क एंड 2 विल बी फ्रॉम हिस्ट्री एंड दी रेस्ट जो जो भी बाकी के जो है 3 जो है वो आपको जियो से पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सैम्पल पेपर का फॉर्मेट है। अब हम समझते हैं डिटेल में कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का पूछा गया है। तो अब हम देखते हैं डिटेल्ड सैम्पल पेपर एनालिसिस 2021 का चैप्टर वाइज किस तरीके से आपको बाइफोकेशन जो है वो दिया गया है। तो सबसे पहले सारे पार्ट जो एसएस के हैं, जो कि हिस्ट्री हो गया, जियो हो गया, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस हो गया, वो 20-20 मार्क्स के हैं, इस तरीके से बाइफोकेटेड है। एंड आफ्टर द रिडक्शन आपको हिस्ट्री के अलावा ओनली 4-4 चैप्टर सब में करने हैं। अब हम देखते हैं क्या क्या है बाइफोकेशन मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो आपको 2 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है विथ इंटरनल ऑप्शन है उसके साथ, और एक आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें क्वेश्चन भी जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में दे रखे। तो टोटल आपको 9 मार्क्स का यूरोप दे रखा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं है। मीन्स हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है कि हमें सारे टॉपिक्स जो है वो अच्छे से करने हैं। एंड 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसके अंदर आपको इंटरनल ऑप्शन दिए गए हैं, 5 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। एंड 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन कंपलसरी आने ही है, तो मैप भी हमें इसको अच्छे से करना है। तो इन टोटल 11 मार्क्स का आपको पूछा जाएगा। तो यहां से हमें पता चला कि नेशनलिज्म इन इंडिया और यूरोप जो है हमें 100% करके ही जाना है। एंड बिकॉज नेशनलिज्म इन इंडिया में 11 मार्क्स का हो गया है तो बहुत चांसेस है कि जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो यूरोप से ही आएगा। तो हमें पूरी टेक्स्ट बुक रीडिंग करके जानी है एंड इसमें जो भी मीनिंग्स आपको दे रखे हैं बॉक्सेस में वो भी अच्छे से करके जाने हैं। अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस में अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू पूछा गया है, 1 लाइन क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको डेफिनेशन पूछ रखी है और आपको इंटरनल ऑप्शन दिए गए हैं, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है इसमें भी आपको इंटरनल ऑप्शन दे रखा है 5 मार्क्स का। तो इन टोटल आपको 7 मार्क्स का पूछा है। मीन्स पावर शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेडरलिज्म की, तो 1 लाइन क्वेश्चन आपको दे रखा है और इसमें आपको इंटरनल ऑप्शन दिए गए हैं, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है जो कि इसमें भी आपको इंटरनल ऑप्शन दिए गए हैं। मीन्स आपको सिविक्स की या पॉलिटिकल साइंस में ऑप्शंस जो है वो ज्यादा मिलते हैं 3 मार्क्स का। तो टोटल 4 मार्क्स का आपको दे रखा है फेडरलिज्म। पॉलिटिकल पार्टी में 5 मार्क्स का एक कंपलसरी क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कोई भी इंटरनल ऑप्शन नहीं है। मीन्स हमें पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको थरली एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है बिकॉज इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो सारे टॉपिक्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। एंड इसमें इतना सारा कवर हो गया है तो चांसेस हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 MCQ पूछे जाएंगे। तो इसकी आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की हमें टेक्स्ट बुक रीडिंग एकदम अच्छे से करनी है। तो पावर शेयरिंग का बात देखें तो यहां पर 7 मार्क्स का पूछ रखा है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पे आपको डेफिनेशन भी एकदम अच्छे से याद रखनी है। अब हम जियो की बात करें तो 2 चैप्टर जो हैं उसमें तो ओनली मैप वर्क पूछा गया है और रिड्यूस सिलेबस में हमें ओनली मैप वर्क ही कर जाना है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में आपको 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो दे रखा है, तो इन टोटल आपको 4 मार्क्स का दे रखा है।
एग्रीकल्चर में आपको सैंपल पेपर में तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही दिए गए हैं और जनरली वो क्रॉप से रिलेटेड है, मींस हमें क्रॉप्स के टॉपिक जो है वो बहुत अच्छे से याद रखने। तो तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से हमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को याद रखना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, जिसमें आपको इंटरनल ऑप्शन भी दिया गया है, एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एमसीक्यू है, और एक मैप वर्क जो है वो आपको दे रखा है। और लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी की हम बात करें तो आपको वन लॉन्ग आंसर दे रखा है टाइप का क्वेश्चन दे रखा है विद इंटरनल ऑप्शन 5 मार्क्स का, एंड एक मैप वर्क दे रखा है। तो हमें इस तरीके से ही पूरा प्लानिंग करनी है कि यहाँ पे हमें 5 मार्क्स का दे रखा है, मीन्स ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको जनरली एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसकी टेक्स्ट बुक रीडिंग जो है वो हमें अच्छे से करनी है, एग्रीकल्चर में क्रॉप से रिलेटेड सारे टॉपिक अच्छे से करने हैं, एंड मैप वर्क आपको जो दे रखे हैं वो बहुत ही अच्छे से हमें करके जाने हैं। अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो चारों चैप्टर को इक्वली मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, 5-5 मार्क्स। डेवलपमेंट की बात करें तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ व्हाट आर डेटा बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है वन ऑब्जेक्टिव जिस जो है असर्शन और रीजन से बेस्ड, और एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 5 मार्क्स का विद इंटरनल ऑप्शन। तो हमें ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से करना है कम्प्लीटली। मनी एंड क्रेडिट में 2 ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, और इस ऑब्जेक्टिव में एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, एमसीक्यू है विद इंटरनल ऑप्शन, और एक नॉर्मल जो जनरल एमसीक्यू होता है वो पूछ रखा है। तो हमें यहाँ पर केस स्टडीज जितनी भी टेक्स्ट बुक में दे रखी है वो अच्छे से करके जानी है, और एक वन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखा है जो कि है आपका वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन 3 मार्क्स का। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी में, तो एक तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन विद 4 MCQ आपको दे रखे हैं, एंड एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें केस स्टडीज जो है, अगर हम इको की बात करें तो टेक्स्ट बुक में जितनी भी केस स्टडीज और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है वो हमें अच्छे से याद करके जाने हैं। तो ये था हमारा पूरा सैंपल पेपर एनालिसिस, जो कि आपको एज पर 2021 के सैंपल पेपर जो बोर्ड ने इशू किया है उसके हिसाब से। तो हमें इसी तरीके से प्लानिंग जो है वो करनी है, कौन से चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसमें से ओनली ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। तो ये हमें इसी तरीके से पूरी प्लानिंग जो है वो सब्जेक्ट की करनी है। तो अभी हमने डिटेल्ड एनालिसिस देखा, और हमें इसी एनालिसिस के हिसाब से जो बोर्ड पेपर में दे रखा है मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन, उसी हिसाब से हमें पढ़ाई करनी है। हैप्पी स्टडीज।